लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट करेंगे तो कोई जरूरी थोड़ी किसान एग्रीमेंट करे। आपको ज्यादा दर मिलेगा तो एग्रीमेंट करिएगा। चीट फंड कंपनी में किसी ने नहीं कहा आप पैसा लगाओ, तो जबरदस्ती थी क्या? लेकिन लोग लगाए ना। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्घाटन किए ना, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमाण पत्र बांटे ना रोजगार का। जांजगीर में आप बांटे हुजूर, रोजगार मेला लगा था, मेरे पास प्रमाण फोटो सहित आपके तत्कालीन अध्यक्ष के। फोटो नकली होगा। बेरोजगारों को ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, प्रमाण पत्र भी नकली हो सकता है। कलेक्टर बुलाए थे, कलेक्टर मंच में निमंत्रण पत्र है ना, उसमें बहुत सारी कंपनियां आई थी, मेला लगा था, वो सब 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 फर्जी है। चीट फंड कंपनी में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ में चला गया, ये भी उसी प्रकार की व्यवस्था है। शुरुआत में तो आपको आकर्षक लगेगा, लेकिन जब मंडी हमारा छत्तीसगढ़ खत्म हो जाएगा तो फिर लूटना शुरू करेंगे, तब कौन बचाएगा? आज बिहार की स्थिति देख लीजिए। आप धान की कीमत की बात कर रहे थे, आप 1 नवंबर से खरीदने की बात कर रहे थे, समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। अभी बलियान जी के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे डॉक्टर साहब, आप बलियान जी ने क्या बयान दिया है रायपुर में आके? उन्होंने कहा एमएसपी भारत सरकार घोषित करती है और ये राज्य सरकार एजेंसियां के रूप में काम करती है, तो समर्थन मूल्य देने का काम किसका है? छत्तीसगढ़ का नहीं, केंद्र सरकार का है। ये आपके मंत्री यही बोल के गए हैं और अभी की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बात तो मैं पिछले विधानसभा में कहा, राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम करती, भारत सरकार का एफसीआई है, भारत सरकार के एमएसपी घोषित करती है और हम लोग खरीद के एफसीआई में देते हैं। लेकिन अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब अजय जी, ब्रिज में 2500 रुपए भी घोषित करो हम समर्थन करेंगे, 3000 पहुंच गए, बहुत अच्छी बात। मैं एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूं, जब हम 2500 रुपए में खरीद रहे थे, 700 रुपए बोनस दे रहे थे, आप पहले पिछले समय 300 रुपए बोनस दिए, हम बढ़ा के 700 रुपए दिए, 1800 700 मिला 2500 रुपए दिए, भारत सरकार ने बोनस बंद किया, इसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं ये बताइए आप? गलत किया कि नहीं किया है? केंद्र सरकार कुछ नहीं देती है बोल रहे थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने धान पर भी बोनस दिया था अध्यक्ष महोदय, गेहूं पर भी बोनस दिया था, और ये पहली सरकार है जो न खुद बोनस देती है और जो किसानों को बोनस दे उसको रोकने का काम करती है, क्योंकि आपके लिखित जवाब है मेरे पास। भारत सरकार आप बोनस देंगे तो आपके चावल नहीं खरीदेंगे। कृषि मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी के साथ हम लोग दिल्ली गए थे, हमने वहां कृषि मंत्री जी से बहुत समझाया कि भाई हमारे यहां परिस्थिति उस प्रकार की नहीं जो पंजाब हरियाणा के या दूसरे प्रदेशों की है, हम बरसात में कोई दूसरा फसल नहीं ले सकते, हमारे प्रदेश में दो तरफ से मानसून आता है, 4 महीना पूरा बदली का वातावरण रहता है, धान के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे यहां, तो हमको उन राज्यों की तरह आप ट्रीट मत करिए। छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थिति है, गरीब राज्य है, गरीब लोग रह रहे हैं, इसलिए हमको ये अनुमति दें, 2 साल आपने बोनस देने की अनुमति दी, 20 साल भी दीजिए। स्वर्गीय पासवान जी के पास हम लोग गए, पासवान जी तो बोले बघेल जी, चौबे जी, आप जो कह रहे हैं उससे आप 100% कह रहे हैं, मैं 200% सहमत हूं आपके बात से, आप गरीब गुरबा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पीएमओ से अनुमति नहीं मिलेगी, आपको चावल आपका नहीं खरीदेंगे, आप यदि बोनस देंगे हमको मजबूरन
भारत सरकार को लिखना पड़ा कि हम भाई समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। हम सदन नहीं बोले, हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। और समर्थन मूल्य खरीदे और फिर उसी समय हमने घोषित किया कि अगले सत्र में हम एक योजना लाएंगे और योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना होगा, जिसका लाभ पूरे किसानों को मिलेगा। और हमने लाया और उसका वितरण भी शुरू किया। डॉक्टर साहब, कम से कम आपकी तरफ हम लोग किसानों को 300 रुपया बोनस देने की बात करी थी, 2100 रुपया देने की बात आपने कही थी, लेकिन किसान को 21 रुपया क्या समर्थन मूल्य में 10 क्विंटल आप खरीदने की बात किया था। हम लोग आंदोलन किए तब जाके 15 क्विंटल हुआ, और वो भी 2100 नहीं। आप किसानों की बात क्या करेंगे? वो तो चुनाव था। श्री रतन जी बोले जाके दिल्ली में, यदि आप बोनस देने की अनुमति नहीं देंगे तो हम गांव घुस नहीं पाएंगे। तब जाके विशेष परिस्थिति में 2 साल के 17-18 के लिए बोनस की अनुमति मिली। तब हमने कहा पासवान जी से, सत्ता बदल गई तो आपकी नीति थोड़ी बदल जाएगी, इस साल फिर से छूट दे दीजिए। लेकिन ऐसे हितैषी किसान के उन्होंने अनुमति नहीं दी और हमको मजबूरन फिर समर्थन मूल्य में खरीदी करना पड़ा। और फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की, और न केवल धान के किसानों को बल्कि गन्ना और मक्का के किसानों को भी हम 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इस साल देने का फैसला किया। कोरोना काल में ये बार बार कहते हैं एक बार दे देना था, एक मुश्त दे देना था। अरे भैया, हम हरित योजना है, आप तो बोल के मुकर गए, हम तो दे रहे हैं, 2 किस्त दे चुके, 1 तारीख को 3रा किस्त देंगे, 4था किस्त भी इसी वित्तीय वर्ष में देंगे। आपने तो एक से बनाया जीएसटी का। आज 6 महीना बीत गया, हमको भारत सरकार से मिल जाना था 4,000 करोड़ रुपया, हम मिला कितना, 350 करोड़। तो थोड़ा दम लगाइए उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, वहां छत्तीसगढ़ के हितों की बात ही मत करिए, वहां भी करिए थोड़ा सा। 4,000 करोड़ रुपए लेना है भारत सरकार से अध्यक्ष महोदय, कर्ज ले रहे हैं। अरे आप खुद ही कर रहे कर्ज लो, जीएसटी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हर मीटिंग में जाते हैं, वो कहते हैं आप कर्ज लो, मतलब दायित्व उनका, कर्ज हम लें, और हमको वित्तीय प्रबंधन सिखा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, ये कानून कृषि कानून है, ये प्रचारित किया गया, लेकिन है ये विपणन का कानून, पूंजीपतियों का कानून, और ये खुद ही वापस ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सीधा सीधा प्रभाव दिख रहा है, आपने किया ना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट समाप्त कर दिया, सीमाएं समाप्त आपने कर दी, कितना भी आप कोई भी, चाहे आलू हो, प्याज हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, खाद्य तेल हो, इस सबको आप कितना भी आप रख लें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और क्या स्थिति हुई है, देखो, 2 महीने पहले जो 10 रुपए किलो में प्याज बिकता था, आज 70 और 80 रुपए में बिक रहा है, और तमिलनाडु में चल दीजिए 105 से 150 रुपए में बिक रहा है। जो आलू की कीमत 10, 15 और 20 रुपया था, आज 60 और 70 रुपए में बिक रहा है। जयजयपुर में 100 चला थे प्याज है, 100 रुपया हो गए। ये एसेंशियल कम्योडिटी एक्ट प्रभाव, और इतना बड़ा कानून बता रहे हैं ये लोग, और भारत सरकार के पास ये चिट्ठी आ गई, वो एक्ट में लिखा है कि कब कब आप नियंत्रित करेंगे, वो भी राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार, जब युद्ध की स्थिति हो, जब अकाल की स्थिति हो, जब इन पदार्थों की कीमत 100% तक बढ़ जाए, तब ये उसमें रोक लगाएंगे। खाद्यान्न में 50% तक वृद्धि हो जाए, तब ये रोक लगाएंगे। अब प्याज 225% बढ़ गया छत्तीसगढ़ में, अध्यक्ष महोदय, वो 100 रुपया बोल रहे हैं, फिर कहो
कितना परसेंट हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। उतना बढ़ने के बाद अब भारत सरकार से खुद चिट्ठी आ गई कि अब रोक लगाओ, छापा मारो। तो अब अपने ये कानून बने 2 महीने नहीं हुए हैं और खुद ही अपने कानून को विड्रॉ करके आप चिट्ठी लिख रहे हैं, तो दूसरे तीसरे कानून भी की स्थिति वही होने वाली अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम अपने किसानों को नहीं छोड़ सकते, हम अपने किसानों के हित का ध्यान हम रख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये जो अभी चौबे जी ने जो संशोधन लाया है क्या है, हम अपने प्रदेश के किसानों के, अपने प्रदेश के अर्थव्यवस्था को हम सुनिश्चित करें। यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो हमाल हैं, यहाँ के जो तलैया हैं, उसके हितों का हम ध्यान रख पाए, इसलिए ये कानून लाया गया है अध्यक्ष महोदय। अब ये बोलते कहीं भी 2 एकड़ के किसान कहाँ बेचने जाएगा, भाई पंजाब जाता है क्या? आप कहते हैं कि यहां क्यों कर रहे हैं, 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिल गई। 60 लाख मीट्रिक टन मिल गया, अच्छी बात है। कितने धान होगा उसका? 66% 1 क्विंटल का 66 किलो चावल निकलेगा, आप गुणा कर लीजिए कितने होगा। 83 लाख मीट्रिक टन पिछले साल खरीदे थे, इस साल 85 लाख से ऊपर जाएगा, तो बराबर तो हो गया। आप कौन से ऊपर दे दिए, इतना ही हुआ कि हम लोग पिछले साल आप 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति देते थे, फिर दौड़े दौड़े जाते थे, माई बाप हमको फिर से अनुमति दे दो, फिर 5 लाख, कभी 1 लाख, इस प्रकार से होता रहा अध्यक्ष महोदय। इस समय कानून बनाए हैं इस कारण से उदारता पूर्वक कर दे 60 लाख। आप 60 लाख बोले, पंजाब सबसे छोटा है ना, वहां कितना दिए, 1 करोड़ 50 लाख। आप छत्तीसगढ़ के दे दीजिए उतना, हम एक एक दाना खरीद लेंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, हमको पता था कि हम विपक्ष में हैं, हमको आप बर्दाश्त नहीं करोगे, ये आपके तासीर में है, जो मध्य प्रदेश में किया, जो राजस्थान में किया, जो महाराष्ट्र में कर रहे हो, जो गोवा में किया हो, छत्तीसगढ़ को भी आप छोड़ने वाले नहीं। लेकिन उस दिन से हमने शुरुआत, हमने कहा इथेनॉल प्लांट डालेंगे, यहां से वहां तक हमने कार्यशाला से लेके भारत सरकार को हर विभाग को चिट्ठी लिखने का काम किया, मीटिंग किया हमने। तब हमारे साथी कहते थे विद्वान सदस्य, भूपेश यदि इथेनॉल बनाने की, पैडी से इथेनॉल बनाने की शुरुआत आपने कर ली, स्वीकृति मिल जाए, तुम्हें नोबल पुरस्कार देंगे। अब भारत सरकार ने इथेनॉल पैडी से इथेनॉल के 54 रुपए 87 पैसा घोषित कर दिया है, अब नोबल पुरस्कार मुझे तो नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को जरूर आप दे दें कि छत्तीसगढ़ के किसानों के कारण से पहली बार पैडी से इथेनॉल बनेगा अध्यक्ष महोदय। और उसके लिए हमने MOU कर लिया है, प्लांट की हमारी तैयारी है, न केवल पैडी से बल्कि गन्ना से भी हम इथेनॉल बनाने का हमारे MOU हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, और आने आने वाले साल में, 1 साल के भीतर में उत्पादन भी हो जाएगा, उत्पादन होना शुरू होगा, तो किसानों को समर्थन मूल्य से नीचे में बेचने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूं, वो जो चिट्ठी आई ना, अनुमति आई है, उसमें एक लाइन लिख दिया, FCI से आप धान उठाएंगे। क्यों भाई, छत्तीसगढ़ का चावल है, छत्तीसगढ़ में प्लांट है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रयास किया है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो खरीदेगी वो धान वहां पहुंचे। हमने प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखी कि भाई ये भर आपने अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हम प्रयास हमारा था, शुरुआत से हमने प्रयास किया था और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है, हमारी बात से आप सहमत हुए। जो अतिशेष जो हमारा धान है, जो हमारे चावल जो PDS सिस्टम में लगने वाला है, उसको उसके अतिरिक्त हमारे पास जो धान बचेगा उसे हम इथेनॉल बनाएंगे। लेकिन FCI वाला क्लास आप हटा दीजिए, ये पत्र हमने लिखा। लेकिन ये सारी बातों की जड़ कहां आया अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातों की जड़ जो है वो शांता कुमार की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है अध्यक्ष, उस रिपोर्ट में लिखा है
कि बोनस देने वाले राज्य के अनाज आप मत खरीदें, ये पहला। दूसरा, उन्होंने कहा ये एफसीआई अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा है। क्यों? कि इसमें जितने पीडीएस सिस्टम है उसमें चावल में अनाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, 40-60% भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में 98% जो कार्ड धारी हैं वो आधार कार्ड से लिंक्ड हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय, और उसमें से 98% लोग भौतिक रूप से उपस्थित होके राशन उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं ना 60% भ्रष्टाचार हो रहा है, यहां 70% लोगों को मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। एमएसपी, अब ये इसी में क्या कर रहे हैं? धर्मजीत जी अब थोड़ा ध्यान दें, ये बोल रहे हैं शांता कुमार की रिपोर्ट क्या कहती है, वो ये कहती है कि पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार होता है, इसको बंद कर देना चाहिए, और जो अंत्योदय कार्डधारी है उसको 700 रुपये महीना दे दो, और जो प्राथमिक कार्डधारी है उसको 500 रुपये दे दो, बचत चावल वो अनाज मार्केट से खरीदे, ये सिस्टम बंद कर देना चाहिए। गरीबों की जो राशन की व्यवस्था है ये शांता कुमार की रिपोर्ट कहती है बंद कर। दूसरा, एमएसपी समाप्त करना है। पूरे हिंदुस्तान में केवल पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश यही इसका लाभ मिलता है, दूसरे प्रदेशों को नहीं मिलता। ये रिपोर्ट ये कहती है केवल 6% किसानों को इसका लाभ मिलता है। छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा है केवल 57% किसानों को इसका लाभ मिलता है, जबकि हकीकत यह अध्यक्ष महोदय यहां 80-90% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। इस व्यवस्था बनाने में आपका भी योगदान, आप 60-70 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे, हम 80-85 लाख मीट्रिक टन खरीदते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। तो शांता कुमार की रिपोर्ट ये कहती है किसानों को धान खरीदने अनाज खरीदने की जरूरत नहीं, प्रति हेक्टेयर 5,000 से 10,000 रुपया दे दो और ये खरीदी वृद्धि झंझट खत्म करो। ये शांता कुमार की रिपोर्ट है और उसी दिशा में भारत सरकार चल रही है, और इसी कारण से पहले उन्हें बोनस देने पर रोका, फिर एमएसपी पे हमला, मंडी पे हमला बोला, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया, फिर ये पीडीएस सिस्टम पे आक्रमण किया है, जिसका उद्देश्य यही है। तो आज दो कानून जो आप एसेंशियल कमोडिटी आपने समाप्त किया, उसका दुष्परिणाम आना शुरू हो गया। अभी आलू प्याज में हुआ है, मैं तो गया था नागपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वहां एक उद्योगपति के 1 लाख मीट्रिक टन का गोडाउन बन चुका है, वो खरीदेंगे जब किसान का अनाज सस्ता रहेगा तब वो खरीद लेंगे, और उसके बाद मार्केट फिर वो पूंजीपति लोग तय करेंगे कि आपके घर में आलू किस कीमत में पहुंचेगा, प्याज किस कीमत में पहुंचेगा, तेल किस कीमत में पहुंचेगा। आप याद है अरहर 200 रुपये किलो में आप खरीदे थे, यही स्थिति अब होने वाली, आपके कंट्रोल से निकल जाएगा। आप कह रहे हैं ना कि 5 साल का यह औसत निकालेंगे, 20 साल तो औसत हो गया प्याज का 100 रुपया, फिर अगले साल जाएगा 150 रुपया, तो फिर एवरेज कितना होगा फिर अंदाजा लगा सकते। ये देश के साथ, ये किसानों के साथ ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं के साथ धोखा है अध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ ये बना कानून है अध्यक्ष महोदय। हमारी कोशिश, हमारी सीमा हम रहते हुए हम किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के हित में काम करेंगे। और एमएसपी केवल धान की बात थोड़ी है, भारत सरकार तो 23 वस्तुओं के एमएसपी घोषित कर, कितने खरीद रहे हैं? 4 हो तो खरीदते ले देखें, धान, गेहूं, चना, मक्का, 23 वस्तु घोषित करते हैं, कितने खरीद रहे हैं आप? क्यों नहीं खरीदी कर रहे हैं? और ये विशेष सत्र बुलाने का अर्थ यही अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के माध्यम से ला सकते थे, हमें भी मालूम है, उतना हमें भी जानकारी है, आप लोगों के साथ हम लोग भी 5 बार बैठ चुके विधानसभा, लेकिन नहीं लाने के कारण यही है कि प्रदेश की जनता, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बात हो, किसानों के साथ हो क्या रहा है, हम उसके हितों की किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। ये जो मंडी एक्ट लाया गया, संशोधन लाया गया, उस दायरे में वो पेन कार्डधारी भी आएगा, जो यदि गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि चिटफंड कंपनी की तरफ लूट के भाग जाए और हम देखते रहें, ये नहीं होने देंगे अध्यक्ष महोदय। अब कानून की बात कर रहे हैं,
वो सारी बातें हमारे पास है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, आपके जो सेंट्रल के लिस्ट है, स्टेट के लिस्ट है, कंटेन लिस्ट क्या है, वो सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंडी के बारे में आदेश दिया है, टैक्स लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप देख लें उसको। लेकिन ये मंच छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के हित के लिए है और उस वर्ग के लिए है। एकमात्र उत्पादक एक किसान ऐसा उत्पादक अध्यक्ष महोदय दुनिया में जो अपने उत्पाद का कोई कीमत तय नहीं कर पाता, इसलिए सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है। और सरकार यदि हाथ खींच ले तो फिर किसानों क्या होगा अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा उस समय एक समय था जब अनाज की कमी पड़ती थी, अमेरिका से अनाज लाते थे तब यहाँ के लोगों को भरण पोषण होता था, लेकिन उस समय इंदिरा जी ने आह्वान किया, हरित क्रांति का किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उस समय क्या स्थिति थी, मंडियों में समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत में बिकता था, कम हो तो राज्य सरकार खरीद लेती थी, लेकिन बाद में स्थिति क्या हुआ, उत्पादन इतना बढ़ा कि समर्थन मूल्य से नीचे बिकने लगा, और नीचे बिकने लगा तो अब यह जरूरी है कि आप किसानों को संरक्षण दें। आप एमएस एक कह दीजिए ना, आप चलिए हम चलते हैं सब मोदी जी के पास आपके साथ, आप कहते हैं एक राष्ट्र एक बाजार, बहुत अच्छी बात है एक राष्ट्र एक बाजार है, लेकिन एक कीमत भी होना चाहिए। अब कर दीजिए एक कीमत, समर्थन मूल्य से कोई भी अनाज कम में नहीं बिकेगा, चाहे मंडी के भीतर हो चाहे मंडी के बाहर हो, इस बात से सहमत हैं तो हमें कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, आप सहमत है, चलिए। लेकिन आप तैयार नहीं होंगे उसके लिए, क्यों, क्योंकि कानून पूंजीपतियों के लिए लाया गया, गरीब किसानों के लिए नहीं लाया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो क्या रहा है, हमारे यहां अध्याय रेखा चलता है लेकिन मौखिक है, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा 5 साल 10 साल के लिए करेंगे, तब फिर आप सबके खेत एक साथ ले लेंगे और पूरा लेबल कर देंगे, 10 साल बाद जाएंगे तो अपना खेत नहीं पहचान पाएंगे। 5 साल भी एग्रीमेंट करेंगे, आप एग्रीमेंट एक बार कर लिया और लेबल कर दी तो आप कुछ नहीं कर सकते अजय जी, आपका खेत उसी प्रकार का नहीं रहेगा, क्योंकि जो उत्पादन करना चाहेगा उस प्रकार से आपके खेत बने धान के हिसाब से, और वो उसमें कोई दूसरी फसल लेना चाहेगा तो उसके हिसाब से वो लेबलिंग करेगा। अध्यक्ष महोदय मैं भी किसान जानता हूं उस चीज को, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो उसे एग्रीमेंट कर लेगा उतना रेट मिलेगा, हमारे यहां से अंडा में पीसी में केचप लगाया हुआ है टोमेटो केचप का, कितना रेट मिल जाता है किसानों को, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जहां बंपर उत्पादन हुआ है तो फिर हाथ उठा देते हैं, हमारा मशीन बिगड़ गया तो हमारे यहां ये बिगड़ गया तो बोतल नहीं आ रहा है, भरने के नहीं है, लेबर छुट्टी में चले गए, 10 प्रकार के बहाना करेगा, किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता। और जिस साल कहीं कम उत्पादन हो मार्केट में ज्यादा हो तो उसके आदमी खड़े होते, आपने एग्रीमेंट किया है हमको तो उतने दर में आपको देना पड़ेगा, किसान दोनों तरफ से ठगा जाता है। अध्यक्ष महोदय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे जिले की बात करता, हम उससे गुजरे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं भी टमाटर मेरे भाई भी बोता है, हर साल 30-40 एकड़ के एग्रीमेंट होता है, लेकिन तो फायदा होता है, सबसे कम कीमत मेरी कहीं मिलता है उस एग्रीमेंट के कारण होता है। तो डॉक्टर साहब ये भूल भुलैया मत लाइए, उस एग्रीमेंट से किसानों का लाभ होगा, आप तो बस एक ही काम करिए, जितना उत्पाद है वो उसके समर्थन मूल्य घोषित करा दीजिए और उस दर उससे नीचे कोई खरीदेगा नहीं, सरकार इतना भारत सरकार इतना गारंटी दे दे, उसके अलावा कुछ नहीं। और आप कह रहे थे ना स्वामीनाथन कमेटी, हम लोग कचरे के डब्बे में डाल देते, आप तो उसे साफ कर पुरा के लाए और उस आय 2016 में बोले थे कि दो गुना हो जाएगा किसानों का आय, दो गुना हो जाएगा, कितना दो गुना हो गया, हर साल 50 रुपए बढ़ा रहे हैं उसमें दो गुना हो जाएगा, अरे 50-50 रुपए बढ़ा रहे हैं उसमें 20 साल लगेगा आपको। एमएसपी यदि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के सही मायने में लागू है तो पूरे देश में अकेले केवल छत्तीसगढ़ में लागू है, जिसमें हम लोग दे रहे थे 2500 रुपया, जिसको आपने रोका, आप सीटू फार्मूला ही नहीं जानते, स्वामीनाथन कमेटी की जो सीटू है उस फार्मूला का आप अडॉप्ट कर लीजिए तो फिर कोई बात ही नहीं कि ये फिर 1800-1900 रुपये नहीं रहेगा,
और धान की कीमत की बात कर रहे हैं आप, मैं तो बिहार हो पाया हूँ, क्योंकि उस समय नहीं बोला था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि डॉक्टर साहब बाहर चले गए थे। रेट की बात, मैं उसके बाद ग्वालियर भी गया था। ग्वालियर में डबरल जो किसान है वो बासमती धान उगाते हैं अध्यक्ष, पिछले साल उसकी कीमत 2400 से 3000 रुपए में वो लोग बेचे, और अभी कितना है 1200 से 1400 रुपए। जैसे आपने घोषित किया ये नया कानून बना, छत्तीसगढ़ में जो 1600 रुपए धान बिक रहा था वो 1300 में आ गया, बिहार में 1100-1200 रुपए में बेच रहे हैं। बिहार का धान भी छत्तीसगढ़ आता है डॉक्टर साहब, आप मुख्यमंत्री थे तो मेरे यहां जाम गांव तक बिहार का धान आया था बिकने के लिए, हम ही लोग पकड़वाए थे उस धान को। तो जहां वो मंडी नियम नहीं है वहां की स्थिति ये है, तो फिर जो बिहार के किसानों की हालत यदि नहीं सुधरी है तो देश के किसानों की हालत नहीं सुधर सकती, और इसलिए हम अपने किसानों को बचाने के लिए ये कानून लाए, संशोधन किए, हम अपने सीमाओं पर रहते हुए काम कर रहे हैं, और इसलिए ये जो संशोधन माननीय कृषि मंत्री जी लाए हैं, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय इसे इस सदन पवित्र सदन समेश्वर से पास करेगा, और जरूरत पड़ेगी हम और भी करेंगे, और भी संशोधन ला सकते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन देखना पड़ेगा। यदि पूरा खेत को आप एग्रीमेंट कर लेंगे तो हमको देखना पड़ेगा, हम बिजली बिल में जो किसानों को छूट दे रहे हैं उसको तो नहीं मिल जाएगा, हम खाद में छूट दे रहे हैं, बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं, उसका लाभ तो वो नहीं उठा लेगा, इन सबको भी हमको देखना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। तो अभी तो संशोधन शुरुआत है, और अध्यक्ष महोदय हम अपने किसानों के हक में ये छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी, आगे भी लड़ाई लड़ने का आवश्यकता पड़ेगी, लड़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.